अब दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप साउथ इंडियन बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट आप घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। देखो साउथ इंडियन बैंक की जीरो बैलेंस अकाउंट की खास बात यह है कि इसमें आप जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आप फ्री में पासबुक ले सकते हैं, फ्री में आप चेकबुक भी ले सकते हैं, फ्री में आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। और उससे भी बड़ी मजे की बात किया जाती है कि आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा, वीडियो केवाईसी के थ्रू आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपका फुल केवाईसी भी आपके अकाउंट का हो जाता है। और जैसे आपकी फुल केवाईसी हो जाएगी उसके बाद आपका अकाउंट अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन हो जाता है, कोई भी यहाँ पर आपको कैपिंग देखने को नहीं मिलेगी। बस यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड पैन कार्ड ये आपको अपने साथ रखना है, ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने साथ रखना है वीडियो कॉल के थ्रू दिखाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं कि साउथ इंडियन बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट आप घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक में ऑनलाइन डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको साउथ इंडियन की ऑफिशियल साइट पर आना है। साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसे ही साइट पर आ जाएंगे यहाँ पर देखिए आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर डायरेक्ट आपको इस वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ रेजिडेंस कस्टमर मिल जाएगा और एनआरआई, तो यहाँ पर आपको रेजिडेंस कस्टमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एनआरआई कस्टमर उनके जो फॉरेन के लिए उनके लिए है। यहाँ पर देखिए बैंकिंग सिंप्लीफाइड, यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड और वीडियो कॉल के थ्रू आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए आपको जो परमिशन मांगेगा परमिशन आपको अलाउ करना है। ये जो प्रोसेस होता है पूरा आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लैपटॉप स्क्रीन में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बड़ा स्क्रीन दिखाई दे। यहाँ पर नो परमिशन आप अलाउ करेंगे, देन आई एम रेडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इंटर योर आधार लिंक मोबाइल नंबर, तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। इंटर योर ईमेल आईडी ऑप्शनल है, इसको आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते, लेकिन आप डाल देंगे ईमेल आईडी तो जितनी भी बैंकिंग्स अपडेट रहेंगी आपको इस ईमेल आईडी पर मिलती रहेंगी। नीचे यहाँ पर रेफरल कोड प्रोमो कोड ऑप्शनल है, यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आप इंडिया में प्रेजेंट रहने चाहिए, यानी आप इंडिया में रहेंगे तभी आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे नंबर पर ओटीपी आ गया, यहाँ पर ओटीपी डालेंगे जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक रहता है। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद यहीं पर आपका मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट हो जाएगा और यहीं पर देखिए आपको अपना आधार कार्ड का नंबर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको थ्री यहाँ पर कॉलम मिल जाते हैं, थ्री कॉलम का यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के पास यहीं पर आपको मिल जाएगा चूज पेन टाइप, यहाँ पर पेन का टाइप आप चूज करेंगे, फिजिकल पेन या फिर ई पेन, आपके पास कौन सा पेन कार्ड है, यानी अगर आपके पास फिजिकल पेन कार्ड है तो फिजिकल पेन चूज़ करेंगे, अगर ई पेन कार्ड है तो ई पेन कार्ड चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहीं पर आप नीचे पेन कार्ड का नंबर डालेंगे, जैसे CXDPG, यहाँ पर जो भी आपका पेन कार्ड का नंबर रहता है यहाँ पर पेन कार्ड का नंबर डालेंगे। और यहाँ पर नीचे बताया गया है कि जो भी पेन कार्ड पर आपके नाम रहेगा वो आधार कार्ड पर होना चाहिए, दोनों का नाम यहाँ पर मैच करना चाहिए। उसके बाद यहीं पर आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे तो यहीं पर देखिए आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर अगेन ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी के थ्रू आपको अपने आधार कार्ड को वैलिडेट करना है। यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। आप सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फ़ोटो, आधार कार्ड से आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये फेस कर लेगा। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अकाउंट का टाइप यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, अकाउंट कौन सा आपको ओपन करवाना है। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, यूथ प्लस आप अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर SBI ATM से अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन हो जाएगा और 18 से 35 साल के यहाँ पर जो भी रहेंगे वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। प्लेटिनम फ्री में आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, अदर ATM से आपको 10 times फ्री यहाँ पर ट्रांजेक्शन मिलेगा और एवरेज बैलेंस यहाँ पर आपको 5000 मेंटेन करना पड़ेगा। सिल्वर में भी देखिए आपको 5000 मेंटेन है, गोल्ड में यहाँ पर आपको यहाँ पर 10000 मेंटेन करना है, SIB महिला में यहाँ पर देखिए आपको महिला में चेक लीव्स मिलेगी, 50 लीव्स फ्री मिलेगी और यहीं पर देखिए आपको इसमें भी फंड मेंटेन करना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे शिव रूबी में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फंड मेंटेन करना पड़ेगा 25,000। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया अकाउंट है इनका यूथ प्लस, यहाँ पर आपको फ्री में डेबिट कार्ड भी मिल जाता है।
नीचे आएंगे चूज अ प्रोग्राम टाइप मिल जाएगा, कौन सा प्रोग्राम टाइप यहाँ पर चाहते हैं। उसके बाद यहीं पर आपको प्रोग्राम का टाइप मिल जाएगा, तो प्रोग्राम का टाइप यहाँ पर जैसे आपको साउथ इंडियन बैंक प्राइम प्लेटिनम मिल जाएगा और साउथ इंडियन बैंक प्राइम मिल जाएगा। और इस आपको जानना है कि इस प्रोग्राम की डिटेल्स, तो यहाँ पर लिंक रहेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो इस प्राइम फीचर आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि क्या फीचर वगैरह है। तो यहाँ पर चलिए कोई भी एक यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर प्राइम चूज़ कर लेते हैं। प्राइम के यहाँ पर 25% डिस्काउंट लॉकर में मिलेगा, क्या कैसे हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इनिशियल पेमेंट आपको 2 लाख का करना पड़ेगा। यहाँ पर फीचर आप देख सकते हैं SBI प्राइम का, और यहाँ पर प्राइम प्लेटिनम में भी आपको 5 लाख। तो यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, मे बी लेटर हम कर देते हैं। उसके बाद यहीं पर आपको अपने पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे आप ई पैन सेलेक्ट करेंगे तो ई पैन कार्ड अपलोड करना है, और अगर आप फिजिकल पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपने फिजिकल पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे वो आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद यहीं पर आपको ब्रांच नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रांच नेम अपना डालेंगे, अगर ब्रांच नेम यहाँ पर आपका नहीं आता है तो दूसरा ब्रांच यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम अपना ब्रांच नेम डालते हैं, तो जो भी यहाँ पर आपकी नियरेस्ट सिटी रहती है वो सिटी आप यहाँ पर डाल देंगे, तो आपके सिटी पर अगर ब्रांचेस अवेलेबल हैं तो यहाँ पर ब्रांचेस आ जाती हैं। तो जो भी यहाँ पर हमारा है, जैसे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक और सिटी डाला, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो भी नियरेस्ट बड़ी सिटी रहती है वो सिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पर आपकी ब्रांचेस आ जाएगी। और यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद यहीं पर आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। जैसे यहाँ पर मिल जाएगा आपको फादर नेम डालेंगे, मदर्स नेम मिल जाएगा, मदर्स नेम डालेंगे, मटेरियल स्टेटस मिल जाएगा आप सिंगल या फिर मैरिड। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका कितना है, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है आपका, आप अपना ऑक्यूपेशन डाल देंगे। एनुअल इनकम आपका कितना है यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर टर्म एक्सेप्ट करेंगे और आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, अगर आपका कम्युनिकेशन करंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे, अगर सेम है तो इसको आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हमारा अलग है तो यहाँ पर हम अपना कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज कर लेते हैं, हमारा जो भी एड्रेस है यहाँ पर हम डाल देते हैं। अपना कम्युनिकेशन एड्रेस जो भी आप डालेंगे उसी एड्रेस पर आपका जो भी कार्ड वगैरह है वो डिलीवर्ड होगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको चूज अ सिटी मिल जाएगी, अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर पिन कोड मिल जाएगा तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नॉमिनी ऐड करना है तो यस करेंगे, अगर आपको यहाँ पर आपको नॉमिनी का और आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालेंगे, उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पर नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप डाल देंगे। बगल में आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, तो यहाँ पर कैलेंडर से सबसे पहले यहाँ पर आप ऐसे ईयर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ईयर ऐसे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर ईयर स्क्रॉल करके ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहीं पर मंथ और यहाँ पर डेट पर क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और एड्रेस में यहाँ पर सेम है माई कम्युनिकेशन एड्रेस कर देंगे, तो जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो दोनों का सेम हो जाएगा। आपको डेबिट कार्ड चाहिए, फिजिकल डेबिट कार्ड, तो यस करेंगे। और कौन सा डेबिट कार्ड आपको चाहिए, यहाँ पर वीज़ा प्लेटिनम आपको यहाँ पर इशू हो रहा है कार्ड, तो ये कार्ड आपको मिलेगा। उसके बाद कार्ड में यहाँ पर क्या नाम रहना चाहिए, यहाँ पर नाम आप डाल देंगे और डिलीवरी एड्रेस आपको मिल जाएगा, कौन से एड्रेस पर आपको डिलीवरी चाहिए ये कम्युनिकेशन एड्रेस फिल कर देंगे। नीचे यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है, एक्सेप्ट करना है टर्म एंड कंडीशन, देन आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जितना भी आपने फॉर्म फिल किया है पूरा फॉर्म आपके सामने रिव्यू हो जाएगा, इस फॉर्म को आपको पढ़ लेना है, अगर कुछ गलत रहता है तो उसके सामने एडिट है ऑप्शन, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। टर्म एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप सबमिट कर देते हैं तो यहीं पर देखिए आपको वीडियो के वाइसी अपनी कंप्लीट करनी है। यहाँ पर प्रॉपर आपका मोबाइल नेटवर्क होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड आधार कार्ड आपको अपने साथ रखना है और इसके साथ ही ब्लैक या ब्लू कलर का पिन रखना है आपको और एक पेपर सिग्नेचर करके दिखाने के लिए
और आपका यहाँ पर स्मार्टफोन होना चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप विद हेडफोन होना चाहिए। यहाँ पर आपको लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मलयालम और तमिल, चार लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहीं पर आपको स्टार्ट वीडियो के वाई सी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आपकी वीडियो के वाई सी कम्प्लीट हो जाएगी तो 24 आवर में आपका जो अकाउंट डिटेल्स होता है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगा और जो डेबिट कार्ड होता है तो 10 से 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर आपको डिलीवर्ड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप साउथ इंडियन बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ऑनलाइन घर बैठे ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट तो आपका ओपन हो गया दोस्तों, अब यहाँ पर अगर फ्यूचर में कभी भी आपको कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ती है जिससे आपको ब्रांच से ही आपका काम होता है तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, लेकिन साउथ इंडियन बैंक की ब्रांचेस आप देखोगे तो बहुत कम ही जगह आपको मिलेंगी, ज्यादातर आपके एरिया पर ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, लेकिन आपका अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो जाता है। किसी भी ब्रांच में जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच होती है उस पर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अकाउंट ना होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर काम हमारे पेंडिंग हो जाते हैं, जो काम आपका ब्रांच के थ्रू होता है वो काम आपका कहीं भी नहीं होगा, यानी कुछ चीजें होती हैं कि जो हमें ब्रांच के थ्रू ही कंप्लीट करनी पड़ती है। अब दूसरी थिंग दोस्तों ये है कि आपका जैसे ब्रांच के थ्रू तो अकाउंट ओपन नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप ऑनलाइन भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि जैसे आपने किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद इंस्टेंट आपका अप्रूव नहीं होता है, वो तो ब्रांच के थ्रू होता है तो उसमें भी टाइम लग जाता है अप्रूव होने में 24 घंटे का। तो कुछ चीजें होती हैं दोस्तों जो आपकी ब्रांच के थ्रू ही होती हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप साउथ इंडियन बैंक में फिर भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपके एरिया पर ब्रांचेस अवेलेबल है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दोस्तों यहां पर कुछ